नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन। आईपीएल 2020 की शुरुआत में सिर्फ 5 दिनों का समय बचा हुआ है। आईपीएल का पहला मैच तो दुबई में खेला जाएगा, लेकिन सौरव गांगुली ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया है। कल शाम को इन्होंने ये दौरा किया है, इसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 5 चीजें हैं पिच के अलावा जिनके बारे में सौरव गांगुली ने जिनका मुआयना किया और क्या क्या कहा है सौरव गांगुली ने शारजाह के स्टेडियम के बारे में। बहुत सारा आइडिया दोस्तों आपको शारजाह के स्टेडियम के बारे में इस वीडियो से लगने वाला है। इंटरेस्टिंग वीडियो एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ गए नीचे से लाइक के बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली चीज जिसका मुआयना शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सौरव गांगुली ने किया वो थी दोस्तों पिच। दोस्तों पिच एक बहुत बड़ा बवाल बन गई है आईपीएल के लिए, क्योंकि लगातार अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये बात तो बहुत ज्यादा स्पष्ट है कि इस साल के आईपीएल में अगर हम सिर्फ पिच की बात करें तो स्पिनर्स को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है, स्पेशली लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में। और इसी को लेकर दोस्तों ये दौरा किया, इन्होंने पिच के बारे में बात भी की, इन्होंने पिच को देखा भी सौरव गांगुली ने। पिच से दोस्तों बहुत कुछ पता लगता है और बीसीसीआई ये चाहता है कि यूएई में स्पिनर्स फ्रेंडली पिच ना बने। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई नहीं चाहता कि स्पिनर्स को एक तरफा मदद हो, बीसीसीआई चाहता है कि एक न्यूट्रल पिच हो, बल्लेबाजों को ज्यादा मदद हो। और इसी के आदेश बीसीसीआई ने दिए हुए थे कि आप पिच बनाएं तो ऐसी बनाएं शारजाह में जिसमें स्पिनर्स को ज्यादा मदद ना हो, एक न्यूट्रल पिच हो, बल्लेबाजों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों होता ही है कि आप कैसी भी पिच बना लें, जब कुछ मैचेस गुजर जाते हैं तब पिच अपना असली रूप बिहेव करती ही है। बीसीसीआई की पूरी कोशिश है कि पिच के ऊपर किसी भी तरह से एक तरफा स्पिनर्स को मदद ना मिले, क्योंकि अगर स्पिनर्स का खेल हो गया आईपीएल तो बोरिंग हो सकता है। इसीलिए दोस्तों एक गेम क्रिएट कर रहा है और इसीलिए दोस्तों सौरव गांगुली ने इस बात का दौरा भी किया, इस बारे में बातचीत भी की और इस पर उनका कोई बयान नहीं आया, लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों दूसरा बड़ा एसेट, दूसरी बड़ी चीज जिसका दौरा इन्होंने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में किया वो है दोस्तों आउटफील्ड। दोस्तों आउटफील्ड का रोल भी बहुत अहम है। अगर आपको पता होगा कि यूएई में आउटफील्ड अमूमन अच्छी नहीं होती, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि यूएई की जो आउटफील्ड होती है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि सैंड बेस्ड मट्टी से, तो कह लेना कि जो सॉइल रहता है वो काली मिट्टी नहीं होती भारत जैसी, वो सैंड बेस्ड मिट्टी होती है। और जब आप सैंड बेस्ड मिट्टी पर आउटफील्ड में फील्डिंग करते हैं, गिर जाते हैं, तो चोट लगने के चांसेस 30-40-50% ज्यादा होते हैं, क्योंकि सख्त होती है आउटफील्ड। और इसी को लेकर जो सौरव गांगुली है उन्होंने दौरा किया कि किसी भी तरह से आउटफील्ड को नरम रखा जाए, आउटफील्ड को ऐसा ना रखा जाए कि खिलाड़ी चोटिल होने लगे, क्योंकि भारत को आईपीएल के बाद भारतीय टीम को हमें पता है ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी करना है, प्लेयर्स चोटिल ना हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों जब उन्होंने आउटफील्ड का दौरा किया तो उन्हें पता लग गया कि ये वैसी ही आउटफील्ड है जैसी अमूमन रहती है, मतलब आउटफील्ड सख्त ही रहेगी, आउटफील्ड से बचना पड़ेगा खुद प्लेयर को। और जैसे जैसे तपन, गर्मी की तपन इस पिच पर, इस आउटफील्ड पर लगेगी, ये और सख्त होती जाएगी, स्पिनर्स को पिच फेवर करेगी, बाहर फील्डर्स को नुकसान देगी ये पिच और आउटफील्ड। तो ये कुछ उन्होंने दौरा किया, ये चीज भी देखी। अरे अरे भाई ठहरो थोड़ा सा, कहां आगे बढ़ा रहे हो वीडियो को। आईपीएल 2020 का सबसे बड़ा पोल चल रहा है माय क्रिकेट प्रोडक्शन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ना वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है, फटाफट क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। माय क्रिकेट प्रोडक्शन के ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है उसके मेंबर्स बन जाइए। एक तो आपको दोस्तों फर्स्ट हैंड न्यूज मिल जाएगी आईपीएल की, तुरंत आपको हम कह लेना कि सबसे पहले खबर प्रोवाइड करते ही है वो दे ही देंगे। फैंटेसी प्लेइंग 11 भी आपको वहीं पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और साथ ही दोस्तों उस पोल का हिस्सा बनिए, अपनी फेवरेट टीम को फटाफट सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक को अभी क्लिक कीजिए। तीसरी चीज दोस्तों जो इन्होंने देखी वो थी दोस्तों ग्राउंड का लुक। ग्राउंड के लुक के बारे में सौरव गांगुली ने एक बयान भी दिया है जो मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लग रही है, अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें सबसे पहले हम ही आपको बता रहे हैं। अब ग्राउंड के लुक के बारे में दोस्तों बात ये थी कि बीसीसीआई चाहता है और सौरव गांगुली भी चाहते हैं कि जब टीवी पर हम लोग आईपीएल को देखें तो आईपीएल को देखने का नजरिया हमें ऐसा ना लगे कि हम यूएई में देख रहे हैं।
वो चाहते हैं कि स्टेडियम्स का लुक ऐसा हो वहां पर कि भाई हमें ऐसा लगे कि यार ये मैच तो हम भारत या फिर किसी ऐसी कंट्री में देख रहे हैं जो कि भारत से काफी जुड़ी हुई है। और यूएई में इसी तरह की व्यवस्था ग्राउंड में की गई है, प्रॉप्स रखे जाएंगे भारत से जुड़े हुए, भारत के अलग अलग स्पॉन्सर्स तो रहेंगे, ये बहुत सारे बिलबोर्ड्स लगाए गए। इन बिलबोर्ड्स में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर जो भारत के लेजेंडरी ग्रेट्स हैं, कपिल देव, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स में उनकी तस्वीरें लगाई गई है जो कि पूरे मैदान के आजू बाजू लगे हैं। अगर मुझे तस्वीर मिलेगी तो मैं साइड में लगा दूंगा। और इसको लेकर सौरव गांगुली बहुत ज्यादा खुश भी दिखे, उनका एक बयान भी है मैं कोट कर देता हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो शारजा का स्टेडियम है इसका लुक यंग प्लेयर्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेट लेजेंड्स का एक फ्लेवर दिखाई देगा। यहाँ पर ग्रेट लेजेंड्स खेले भी हैं, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, उनकी तस्वीरें भी हैं। तो ये एक तीसरी चीज थी जिसका मुआयना करा जिससे वो खुश भी नजर आए। दोस्तों चौथी चीज जिसका मुआयना पूरे स्टेडियम के अंदर में, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में सौरव गांगुली ने किया, वो थे दोस्तों स्टैंड्स। IPL में हमें पता है इस साल पब्लिक की एंट्री नहीं है, लेकिन UAE की सरकार ने कहा है कि IPL में लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट हमें पब्लिक की एंट्री, लोगों की एंट्री होती हुई दिख सकती है। और इसी को लेकर दोस्तों BCCI का भी कहना यही है कि आप स्टैंड्स को तैयार रखिए, अगर स्थिति संभलती हुई नजर आती है। BCCI का प्लान है कि किसी तरह से कुछ अमाउंट में लोगों को डाला जाए स्टेडियम में ताकि वो एक फ्लेवर तो क्रिएट हो, खाली स्टेडियम में वो मजा नहीं आने वाला है। पर यही एक चीज थी कि इन्होंने स्टैंड्स का भी दौरा किया, स्टैंड्स में कई अलग अलग चीजें भी इस साल होने वाली है, फेक क्राउड्स को बिठाया जाएगा जो कि हम CPL में भी देख चुके हैं। तो ये सारी चीजें भी होने वाली है स्टेडियम्स में और मेनली स्टैंड्स में, और इसको लेकर भी सौरव गांगुली ने सबको तैयार रहने के लिए कहा। दोस्तों पांचवी चीज जिसका दौरा सौरव गांगुली ने किया इस पूरे कहले अपने ये पूरे एनालिसिस और इंस्पेक्शन में, वो थे दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग एंड मैनेजमेंट यूनिट्स। अब दोस्तों आपको पता होगा कि हर स्टेडियम के अंदर में एक बॉक्स होता है, कमेंट्री बॉक्स होता है, मैनेजमेंट के लोगों के बैठने के लिए स्पेशल व्यवस्था होती है जहां पर BCCI के लोग बैठते हैं या किसी भी क्रिकेट बोर्ड के जो रहनुमा है वो लोग बैठते हैं। तो इसका भी उन्होंने दौरा किया, मेन उनका फोकस था ब्रॉडकास्टिंग। दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स के कई अधिकारियों से भी उन्होंने बात की, स्टार स्पोर्ट्स वहां पर पूरी व्यवस्था कर रहा है जिसमें स्पाइडर कैम को लगाया जा रहा है, ड्रोन को वहां पर सेटल आउट किया जा रहा है, स्टेडियम है उसके आजू बाजू कैमरेस लगाए जा रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग सबसे अहम होती है IPL में, देखेंगे कैसे आप TV पर वही बताएगा कि चलेगा IPL या नहीं, क्योंकि TV पर चलेगा तभी ही बिकेगा IPL। और यही एक चीज थी जो हमने देखी कि इन्होंने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि ब्रॉडकास्टिंग नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए और उसके लिए नए नए इक्विपमेंट्स भी आप देख पाएंगे, उसके लिए आपको IPL का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो थी पांच अलग अलग चीजें जिसका दौरा, जिसका इंस्पेक्शन सौरव गांगुली ने किया। अब किन चीजों के लिए आप एक्साइटेड हैं, आपको कैसा लगता है, क्या आपको लगता है पिच कैसी बिहेव करेगी, अपनी जो राय है ना वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है तो भाई कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।